हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वरुण धवन के पहले दिन 5 सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उधर क्या कर रहा है? तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। और हमने वरुण धवन के करियर एनालिसिस पर भी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, और जब ये आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नंबर 5 पर फिल्म है डिशुम। संभल के गुड्डू अकेला नहीं है, बच्चे तो गोद में ले ले। डिशुम फिल्म 29 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे वरुण धवन, जॉन इब्राहिम, जैकलिन फर्नांडिस और अक्षय खन्ना। इस फिल्म से अक्षय खन्ना ने अपना कमबैक किया था बॉलीवुड में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहित धवन ने, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 11.5 करोड़ की कमी की थी। नंबर 4 पर फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तीन बार झांसी से कोटार वापस छोड़ा चुकी हमें। दुनिया भर में तेल का कुआं सूख रहा है, कम से कम उस पे तो तरस खाओ। अपने तल पे तेल थोड़ा कम घिसो, कुआं नहीं सूखेगा। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 10 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे वरुण धवन और आलिया भट्ट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शशांक केतान ने। इस फिल्म में अपने पहले दिन 12 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था। नंबर 3 पर फिल्म है ABCD2। ABCD2 फिल्म रिलीज हुई थी 19 जून 2015 को। ये एक म्यूजिकल डांसिंग फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रेमो डिसूजा ने। इस फिल्म में हमने पहले दिन 14 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। नंबर 2 पर फिल्म है जुड़वा 2। राजा की इज्जत ना कोई सौंदर्य साबुन की टिकिया नहीं है, तू तो घिस घिस के धो धो के फेंक डाले। जुड़वा 2 फिल्म रिलीज हुई थी 25 सितंबर 2017 को। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक थी सलमान खान की फिल्म जुड़वा की। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे वरुण धवन, जैकलिन और तापसी पन्नू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। इस फिल्म में हमने पहले दिन 16 करोड़ 10 लाख की कमी की थी। वरुण धवन के करियर के पहले दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है कलंक। मैं शादीशुदा, कौन सा निगाह पढ़ना था आपसे। कलंक फिल्म 17 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आए थे वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक वर्मन ने। इस फिल्म में हमने पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, ये थी वरुण धवन की 5 पहले दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्में। अभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताना वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म भेड़िया क्या सभी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन कर पाएंगी पहले दिन। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।